फील्डर्स खुल चुके हैं जी और गैप्स काफी हैं, आपके रनर भी है और शबीर आलूवालिया भी काफी देर से मेहनत मशक्कत कर रहे थे तो वही अब रुक गए हैं अपूर्व लाखिया के लिए रनिंग करने के लिए। ये शायद मुझे लगता है कि एक अच्छी बात नहीं क्योंकि थोड़ी सी थकान जरूर है, थकान उनके चेहरे पर एक फ्रेश लेग्स जब अगर आ जाए तो शायद बेहतर रहेगा, पर बिरवानी को उसका तो भी पूरी तरह से साथ तो देना पड़ेगा। और ये जबरदस्त कैच, बहुत ही शानदार कैच। तो एक और बड़ा झटका लगा है मुंबई हीरोज को, देखिए बहुत प्रेशर में। वीर मराठी की उम्मीद जाग उठी है फिर एक बार। बिल्कुल झटका बॉल हमने देखा डबल अटेम्प्ट में, समीर कोचर ने भी पहली बारी में कैच लिया था, फिर से वही उछाल के कारण और बैट के बिल्कुल बीचों बीच नहीं ले पाए। ये उछला बॉल और फिर बराबरी करके ओ जो जब, रिलीफ उनके चेहरे पे है देखिए और वीर मराठी के सपोर्टर्स के चेहरे पर भी, जेनिलिया खुश। अब राजा भैरवानी को जाना होगा, 36 रन बनाए उन्होंने, अच्छी एक प्लेटफॉर्म सेट की है अपनी टीम के लिए और मुंबई हीरोज 141 पे चार। तो लीजिए, मैंने कहा था वरुण बडोला का नाम टीम शीट में तो नंबर 10 पे लिखा है, उनको बिल्कुल सही जगह पे भेजा है क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, क्लब क्रिकेट खेले हैं, दिल्ली से मैं इन्हें जानता हूँ, बढ़िया गेंदबाज हैं और 500 सीजन मुंबई हीरोज़ की टीम में रहे हैं। तो ये करंट सिचुएशन में एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी का होना बहुत ज़रूरी और इन दोनों से बेहतर एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस समय नहीं हो सकता। अरे जबरदस्त सेट, ये है हिट ऑफ द मैच। स्टेडियम के बाहर बिल्कुल तालमेल बिठा के और इस ओवर में विकेट की भरपाई कर दी अपूर्व लाखिया ने। ये बहुत जरूरी था हिट इस ओवर में क्योंकि बाकी के दो ओवर में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता 15 रन प्रति ओवर का। अब ये बाकी बची एक गेंद में कुछ बैलेंस कर दें तो लास्ट के दो ओवर बहुत बढ़िया सेट हो जाएंगे। ऐसी ही एक और जबरदस्त हिट अगर बची हुई एक गेंद में हो जाए तो मैच बिल्कुल जबरदस्त मोड़ पर है। बहुत बढ़िया शॉट पर सीधा हार्ड हिट और दो रन लेने चाहिए थे यहाँ पर स्ट्राइक अपूर्व लाखिया के पास और दो ओवर बचे हैं अब 148 पे चार 13 ओवर के बाद मुंबई हीरोज़।